नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ महिंद्रा की पांच ऐसी गाड़ियाँ दोस्तों जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है हमारे देश के अंदर, और हर किसी व्यक्ति को इच्छा होती है दोस्तों महिंद्रा की। ये जो पांच गाड़ी मैं आपको बताने वाला हूँ, हर किसी व्यक्ति के दिमाग में कहीं ना कहीं इन गाड़ियों की जो एक लालसा है दोस्तों वो चली रहती है, और हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि महिंद्रा की ये गाड़ियाँ हमें भी लेनी चाहिए। बहुत ही ज़्यादा फेमस गाड़ियाँ दोस्तों और बहुत ही कामयाब गाड़ी है ये। तो इन गाड़ियों के रेट के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, जो आपको कितने रेट के अंदर आपको मिल जाती है, कितना पैसा आपको स्पेंड करना पड़ता है दोस्तों इन गाड़ियों के लिए, जो बहुत ही फेमस गाड़ियाँ हैं पाँच। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करेंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, आगे शेयर करना है, कमेंट करना है दोस्तों आपको। और चैनल पर आप नए हैं तो दोस्तों वीडियो को दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और घंटे वाले बटन को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारे ऐसे ही नए जानकारी वाले कुछ वीडियो आपको मिल सके। तो दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट, दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और दोस्तों महिंद्रा की जो पाँच ऐसी गाड़ी है जो भारत के अंदर बहुत ही ज़्यादा फेमस है दोस्तों, आपको कहीं पर भी आप चले जाओ, कोई से भी गांव के अंदर आप जाते हो या फिर आप कोई सिटी के अंदर जाते हो, सड़क पर जैसे ही आप चलते हो दोस्तों, तो जो मैं आपको बताने वाला हूँ पांच गाड़ियाँ महिंद्रा की, तो ये गाड़ी दोस्तों आपको हर जगह मिलेगी। आप भारत के कोई से भी कोने के अंदर जाएं, आपको ये गाड़ियाँ ज़रूर मिलेगी दोस्तों। इन गाड़ियों ने अपना नाम बनाया है, ये वाकई ही ये गाड़ियाँ बहुत ही मजबूती के लिए मानी जाती है, और दोस्तों बहुत ही जो ऑफ रोडिंग के लिए भी ये गाड़ियाँ मशहूर है। तो हर व्यक्ति की इच्छा अनुसार ये गाड़ियाँ लगभग आपको हर जगह मिल जाती है दोस्तों। तो इन गाड़ियों की जो कीमत है वो मैं आपको एक्चुअल कीमत है इनकी वो बताने वाला हूँ, और कुछ इनके बारे में आपको और जानकारियाँ देने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो आपको पूरा देखना है, तभी आपको समझ में आएगा कि ये गाड़ियाँ अगर हम लेना चाहते हैं तो हमें कितना पैसा देना पड़ेगा इन गाड़ियों को लेने के लिए। तो इनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे एक फोटो आ रही है जो है महिंद्रा की बोलेरो गाड़ी। तो दोस्तों ये बोलेरो गाड़ी की जो कीमत है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, कितनी कीमत आपको देनी होती है इस बोलेरो गाड़ी को लेने के लिए। दोस्तों बोलेरो गाड़ी की जो कीमत है वो एक फिक्स कीमत नहीं है, आपको जगह के अनुसार अलग अलग इनकी कीमत आपको पे करनी होती है, जो लगभग स्टार्ट होती है दोस्तों 8,99,000 रुपये से। यह गाड़ी की जो कीमत है एक्स शोरूम प्राइस जो इस गाड़ी का है वो लगभग 9,00,000 रुपये से स्टार्ट होता है दोस्तों, और बढ़कर 9,31,000 रुपये तक ये गाड़ी की जो कीमत है वो जाती है। तो इसी के बीच के अंदर जो भी कीमत है इसकी 8,99,000 यानी 9,00,000 रुपये से लेकर 9,31,000 रुपये तक का जो आपको पे करना पड़ता है दोस्तों। और इस गाड़ी का जो माइलेज है दोस्तों वो कंपनी के अनुसार ये गाड़ी 16.5 यानी 16.5 की एवरेज ये गाड़ी आपको दे देती है। तो मान के चलो 15 से लेकर 17 के बीच में आपको इसकी जो एवरेज है वो मिल जाती है, और गाड़ी ये डीजल पे आपको मिलती है दोस्तों। इसका 1493 सीसी का इंजन आपको मिल जाता है जो डीजल के अंदर आपको ये वेरिएंट मिलेगा दोस्तों, और 7 सीटर ये गाड़ी आपको मिलेगी। तो ये है दोस्तों हमारी पहली गाड़ी महिंद्रा की बोलेरो गाड़ी, जिसकी कीमत 9,00,000 रुपए से लेकर 9,31,000 रुपए तक इसकी कीमत जाती है। तो दोस्तों बात करते हैं महिंद्रा की स्कॉर्पियो की, जो बहुत ही फेमस गाड़ी है, तो बहुत ही आरामदायक गाड़ी है दोस्तों, और इसका नया वर्जन भी अब आने वाला है 2022 के अंदर। लास्ट में मैंने एक वीडियो इस गाड़ी पे बनाई है दोस्तों, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे मैं डाल दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं। जो इसका नया मॉडल है वो भी 2022 के अंदर यानी 2022 के लास्ट में ये गाड़ी लॉन्च होने वाली है, नया इसका फेसलिफ्ट होगा दोस्तों गाड़ी का, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिए, नीचे इसका लिंक मैं दे दूंगा। तो दोस्तों इस गाड़ी का जो रेट है वो मैं आपको बता देता हूँ, इस गाड़ी का रेट आपको लगेगा 18,61,000 रुपये से। ये गाड़ी जो इसकी टॉप मॉडल है दोस्तों वो आपको मिल जाती है।
यानी इसका S2 से लेकर S11 तक के जो इसके वेरिएंट है दोस्तों अलग अलग, तो इसका मैं आपको टॉप मॉडल का इसका रेट बता रहा हूँ। S11 का जो रेट है दोस्तों वो है 18,61,000 रुपये। आपको इस गाड़ी को लेने के लिए पे करने होते हैं और इसकी जो माइलेज होती है दोस्तों वो अराउंड 15 की लगभग, यानी 15 की एवरेज ये गाड़ी निकाल देती है, जो नॉर्मली 13, 14, 15 के अराउंड ये गाड़ी रहती है। और इसकी जो इंजन की कैपेसिटी है वो है दोस्तों 2179, यानी 2179 सीसी का इसका इंजन रहता है। और ये डीजल के अंदर आपको प्रोवाइड होती है दोस्तों। 7 सीटर कार है ये, बहुत ही गजब का इस गाड़ी का लुक है। जो बॉडी स्ट्रक्चर है इसका वो बहुत ही अट्रैक्टिव है दोस्तों, तो जैसे देखते देखते ये गाड़ी पसंद आ जाती है हर व्यक्ति को। तो ये हो गई हमारी महिंद्रा की स्कॉर्पियो। और महिंद्रा की नंबर 3 पे जो गाड़ी है दोस्तों वो महिंद्रा की थार। यानी हर गाड़ी लवर की ये भी एक बहुत बड़ी इच्छा है थार लेने की। जो थार है वो दोस्तों बहुत ही मार्केट के अंदर इस गाड़ी ने तहलका मचाया हुआ है। यानी जिसके भी पास ये गाड़ी है तो लोग देखते हैं मुड़ के इस गाड़ी को, तो जिसके पास है ये गाड़ी उसको पता है इस गाड़ी की वैल्यू क्या होती है दोस्तों। तो बहुत ही गजब की गाड़ी है ये महिंद्रा थार। जो थार का जो रेट है वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, 13,53,000 रुपये से इस गाड़ी का जो रेट है वो स्टार्ट होता है, और इससे भी कुछ आगे और बढ़ जाता है अगर आप इसके वेरिएंट पे जाते हैं। तो मैं इसका टॉप में बता रहा हूँ दोस्तों, इसका जो 13,53,000 टॉप मॉडल का है। और इंजन की कैपेसिटी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसकी इंजन की जो कैपेसिटी है वो आपको मिल जाती है 1997 सीसी का इंजन इसका स्टार्ट हो जाता है, और 2184 सीसी तक इसका इंजन आपको मिल जाता है, जो अलग अलग वेरिएंट के अंदर पेट्रोल भी है और डीजल भी है दोस्तों। दोनों इंजन आपको गाड़ी के अंदर आपके इच्छा अनुसार आप ले सकते हैं। पेट्रोल वेरिएंट भी आप ले सकते हैं थार को, और डीजल के अंदर भी आप ले सकते हैं। 4 सीटर कार है दोस्तों, ये बहुत ही गजब की गाड़ी है, आप भी इस गाड़ी को ले सकते हैं दोस्तों। इसकी कीमत करीबन 13.5 लाख रुपये आपको पे करनी होती है दोस्तों। नंबर 4 पे बात करते हैं दोस्तों, महिंद्रा की XUV700O, जिसने गाड़ी ने आते ही दोस्तों मार्केट के अंदर तहलका मचा दिया। अभी थोड़े ही दिन पहले ये गाड़ी लॉन्च हुई है, और होते ही दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ये गाड़ी ट्रेंड कर रही है। जहाँ पर भी आप इस गाड़ी को देखते हैं तो हर व्यक्ति दोस्तों जो गाड़ियों के बारे में जानता है वो इस गाड़ी का दीवाना है दोस्तों। बात करते हैं महिंद्रा XUV700O की रेट की, तो कितना पैसा आपको स्पेंड करना होता है दोस्तों इस गाड़ी को लेने के लिए, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। 13,18,000 रुपये आपको इस गाड़ी को लेने के लिए आपको खर्च करना होता है दोस्तों, यानी 13,18,000 रुपये से ये गाड़ी स्टार्ट होती है, और भी इसका रेट आगे बढ़ जाता है वेरिएंट के अनुसार दोस्तों। इसकी इंजन की कैपेसिटी मैं आपको बता देता हूँ, 1997 सीसी का इंजन आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है, जो अराउंड इसका 2184 सीसी तक भी इंजन आपको इस गाड़ी के अंदर वेरिएंट के अनुसार आपको मिल जाएगा, और यह पेट्रोल के अंदर भी मिल जाएगी दोस्तों, और डीजल में भी ये गाड़ी आपको प्रोवाइड हो जाएगी। और दोस्तों ये 5 सीटर भी है और 7 सीटर भी है, दोनों वेरिएंट इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाते हैं, जो ऑटोमेटिक भी है गियर के अंदर, ट्रांसमिशन इसका ऑटोमेटिक भी आपको मिलेगा, और दोस्तों मैनुअल भी आप ले सकते हैं इस गाड़ी को। तो बहुत ही गजब की गाड़ी है दोस्तों, आप भी ज़रूर इस गाड़ी के बारे में सोच सकते हैं। और बात करते हैं दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो की आखिरी गाड़ी, यानी महिंद्रा की 5वीं गाड़ी है, जो है महिंद्रा TUV300O। यानी ये गाड़ी भी दोस्तों कमाल की गाड़ी बनाई है महिंद्रा ने, और ये गाड़ी दोस्तों बहुत ही रफ एंड टफ गाड़ी है। आपको ये गाड़ी ऑफ रोडिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा मशहूर है ये गाड़ी दोस्तों। इसके जो रेट है वो मैं आपको बता देता हूँ, कितना पैसा आपको इस गाड़ी को लेने के लिए देना पड़ता है, तो 8,54,000 रुपये से इसकी कीमत होती है दोस्तों स्टार्ट। आपको पता लग गया, 8,54,000 रुपये से इस गाड़ी की कीमत स्टार्ट हो जाती है दोस्तों, जो 10,81,000 रुपये तक इस गाड़ी की कीमत जाती है। यानी अलग अलग वेरिएंट के अनुसार गाड़ी की कीमत है वो बढ़ती रहती है। और इसके बाद में दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इस गाड़ी की माइलेज होती है,
करीबन 16 से लेकर 18 के बीच के अंदर इस गाड़ी की माइलेज आपको मिल जाती है। और इसके इंजन की कैपेसिटी दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, 1493 सीसी का इंजन आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है और यह गाड़ी डीजल के अंदर आपको मिलेगी दोस्तों। तो मैंने दोस्तों एक्चुअल प्राइस आपको बताया है गाड़ी का कि कितना पैसा इन गाड़ियों का लगता है, तो सारा मैंने इसकी जो रिसर्च मैंने की है दोस्तों वो मैंने आपके साथ साझा किया। तो आपको ये वीडियो दोस्तों ज़रूर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को आगे शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि ये जानकारी आगे और जा सके दोस्तों। और चैनल पर आप नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटे वाले बटन को ज़रूर प्रेस करें। और दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और राम राम।